जुनूबी कश्मीर के सियाहती मुकाम वेरीनाग में आज विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस मेगा फेस्टिवल का इनेकाद जिला इंतजामिया टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी वेरीनाग और मोहकमा सियाहत कश्मीर ने मुश्तरका तौर पर किया है। तकरीब का आगाज मेहमानी खसूसी जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम की आमद से हुआ, जिनका इस्तकबाल रवायती वन वन गाकर किया गया। जबकि जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने तमाम मुतलका आफिसरान के हमरा फेस्टिवल का इफ्तिताह किया और मोहकमा तालीम की जानिब से माहौलियात के तहफ्फुज़ के मौजू पर एक मशवरी मुकाबले का भी इनेकाद किया गया। बाद में जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने फेस्टिवल में लगाए गए स्टालों का भी मुआयना किया, जिन पर मुख्तलिफ महकमों ने अपनी मसनूआत और खदमात की नुमाइश की थी। इन स्टालों पर तैनात अमले ने मुआयना करने वाले अफिसरान को सर्विस की नवियत, स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी। फेस्टिवल में SDM डोरू गुलाम रसूल वानी, सदर म्युनिसिपल कमेटी डोरू वेरीनाग मोहम्मद इकबाल अहंगर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी रोमन शेख के अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर व जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर गुलाम अहमद मीर, अपनी पार्टी के जिला यूथ सदर अनीसुल इस्लाम के साथ साथ कसीर तादाद में आम लोगों व स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। बहुत खुशी की बात है कि वेरीनाग में ये फेस्टिवल हो रहा है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ है। अच्छी गैदरिंग इसमें थी और हम चाहते हैं कि इस विंटर फेस्टिवल के साथ साथ एक समर फेस्टिवल भी हो जाए, क्योंकि उससे टूरिज्म का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट समर सेशन में ही आते हैं। इसलिए हम चाहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट, LG गवर्नमेंट से, डायरेक्टर टूरिज्म से, सेक्रेटरी टूरिज्म से, के विंटर फेस्टिवल के साथ साथ समर फेस्टिवल भी किया जाए। और जो यहाँ के जो CEO साहब ने यहाँ अरेंजमेंट किया था, उनने कम लोगों के लिए अरेंजमेंट किया था, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इसमें आ गए और आगे से हम चाहेंगे कि
लोगों के लिए और ज्यादा एनिमेट हो जाए ताकि इस फेस्टिवल का मतलब और मकसद लोगों तक पहुंच जाए। प्रेजेंट होने के चलते मैं वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ पे इस तरीके का जो फेस्टिवल है जो ये ऑर्गेनाइज किया। हमें उम्मीद है कि इस तरीके से फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने से यहाँ पे जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी हद तक बूस्ट होगा। उसके साथ साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि ये न सिर्फ विंटर्स में ही यहाँ पे ये फेस्टिवल किया जाए बल्कि समर जितने भी मौसम बाकी है चाहे वो फॉल है विंटर है हर एक मौसम में यहाँ पे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होना चाहिए और बाकी जो गैर मुल्की सयाह है उनका उनको यहाँ पे फल जो है वेरीनाग का वो बढ़ाना चाहिए और ये फेस्टिवल हर साल बनाना चाहिए। ये जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमने यहाँ पे वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ साथ जो हमारी अर्बन लोकल बॉडी है और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में आज यहाँ पे लाया है और सरकार की यही कोशिश है कि हमारे यहाँ पे वाइब्रेंट जो है विंटर्स और वहाँ पहलगाम के साथ साथ हमारे जितने और डेस्टिनेशंस हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे आज यहाँ वेरीनाग रुकनाग जब आप ये डेस्टिनेशंस हैं उसमें यहाँ भी जो हमारे टूरिस्ट हैं वो विंटर्स में उनका भी यहाँ पे आए उनका भी यहाँ भी फुटफॉल बढ़े और हमारे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इसमें जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं होटलियर्स हैं या फिर होम स्टेज हैं या बाकी तरह की सर्विसेज हैं उनको भी हम इसमें मेन स्टेक होल्डर मानते हुए उनका भी कंट्रीब्यूशन चाह रहे हैं और ये हम सबका ही एक फेस्टिवल है सिर्फ डिपार्टमेंट का या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी का नहीं है। इसमें जिस तरह से आज हम यहाँ पे जमा हुए एक बहुत ही खुश आयन शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते रहेंगे और हम सभी स्टेक होल्डर जो एक वाइब्रेंट विंटर्स जो हमें यहाँ पे दिखाने हैं या करने हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। सर उसमें मैं यही चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पे हमें कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं वो भी फिल करने हैं उसमें हमारे चाहे वो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से या इवन जो हमारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो जितने हम अच्छी तरह से अपने जो टूरिस्ट हैं उनका स्वागत करेंगे उन्हें सर्विसेज देंगे कंफर्टेबल रखेंगे और वो आएंगे।